अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है ग्रीन चिकन। तो चलिए देखते हैं ये ग्रीन चिकन कैसे बनाया जाता है। ग्रीन चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्च ली है, अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप कम ले लें। और हमें चाहिए हरा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते। तो सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ग्रीन चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया एक चिकन 500 ग्राम, और अभी जो हमने पेस्ट तैयार की थी हरी मिर्च धनिया और पुदीने की, ये वही पेस्ट है। और ये अनियन पेस्ट है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। दही चाहिए हमें 1/2 कप। लेमन जूस चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। नमक 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। और ये मैंने कुछ साबित मसाले लिए हैं, दालचीनी की स्टिक, 1 बादियान का फूल, 2 लौंग और 4 काली मिर्च। तो चलिए फिर ग्रीन चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल 4 टेबल स्पून। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें साबित मसाले ऐड कर देंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे अनियन पेस्ट, प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए अब हमारी प्याज जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद हम चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो चिकन को कुछ देर भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे पाउडर मसाले। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इन सभी पाउडर मसालों को हम चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन पेस्ट जो हमने पुदीना, धनिया और हरी मिर्च को पीसकर बनाया है। तो ग्रीन पेस्ट ऐड करने के बाद हम चिकन को और 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो फाइनली ये चिकन और सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब इसमें बारी आती है दही ऐड करने की। तो ये सारा दही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दही को भी हम चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दही जो है वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इस चिकन को ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो 10 मिनट बाद ये जो चिकन है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, इसे भी हम चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब ये ग्रीन चिकन जो है वो पूरी तरह से रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे रोटी के साथ या फिर चावल के साथ सर्व करें, ये दोनों के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।